नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जिनके अंगों का विकास नहीं होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे अंगों का विकास नहीं तो हम स्मार्ट नहीं लगेंगे। चलो आपकी बात मानता हूँ, स्मार्ट नहीं लगेंगे, तो उसमें क्या है कि अगर जो आपके अंगों का विकास नहीं हो रहा, समझ में आ रहा, तो इसमें काफ़ी चीज़ों की कमी होती है। कमी ये होती है कि आपको पूरे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही। एक तो बढ़िया सा भोजन करें, आपको अंगों का विकास हो जाएगा। अगर जो नहीं होता तो अब देसी आयुर्वेदिक नुस्खा बता रहा हूँ मैं, नुस्खे हैं जितने। अब एक क्या करना, एक चम्मच विदारी कंद का लेना है, गीली हो तो चटनी ले लो, सूखा हो तो पाउडर ले लो एक चम्मच, और एक गिलास दूध में सुबह शाम यदि लेते तो आपके संपूर्ण अंगों का विकास, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ मैं, आप समझ लो किन अंगों की आपको ज़रूरत है वो आप समझो, कि हमारे ढीलेपन है या त्वचा में झुर्री है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो एक चम्मच आपको विदारी कंद का चटनी या वो लेना पाउडर बता ही दिया है, और इसको सुबह शाम लेना प्रारंभ करें, बहुत अच्छा विकास होगा। आप देखेंगे कि 15 दिन में आप में परिवर्तन आ जाएगा। शर्त एक है कि आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी शर्त ये है बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू का भोजन होना चाहिए। आप पूड़ी पकवान भी यदि खाएं तो देसी तेल माने शुद्ध सरसों का तेल हो, खरीदा हुआ, वो रिफाइंड नहीं हो। यदि रिफाइंड है तो उसमें नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं, पानी जैसा होता, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। दूसरा है एक चम्मच आंवला पाउडर प्रतिदिन सुबह शाम दूध के साथ लें, आपकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये तो आपको बता दें कई एक समस्याओं के लिए काम आएगा। पेट में हाजमा ठीक नहीं, हाजमा ठीक होगा, बवासीर है वो भी ठीक होगी, डाइजेशन मतलब क्या कहते हैं खट्टी मीठी डकार ये भी खत्म होगा, पेट में मतलब संडास साफ ना हो ये भी ठीक होगा, यूट्रेस की कोई समस्या वो भी ठीक होगा, माहवारी के टाइम में दर्द है या कोई तकलीफ है ये भी खत्म होगा, कई एक चीज़ों में काम आएगा। दूसरा है गोखरू होता है, गोखरू को क्या करना है, गोखरू सब जानते हैं, गोखरू को अच्छी तरह कूट करके एक चम्मच इसका पाउडर ले करके, और ये भी दूध में यदि सुबह शाम लेते हैं तो इसे बहुत अच्छा विकास होगा। एक मैंने और डाला हुआ है तो उसमें मालिश करने के लिए भी है, तो उसको भी देख चाहे तो देख लें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। निःशब्द के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।